गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं पेज नंबर 136। कल हमने देखा था कि लेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसका इनफॉर्मल का हमने सबसे पहला एक एग्जांपल भी देखा था जिसे आपको नोटबुक में लिखना था। आज हम देखते हैं फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसे आपको नोटबुक में भी लिखना है। यू आर वरुण सेन ऑफ 15 पार्थ लेन नोएडा। Write a letter to the Seoul local police complaining about the increasing number of thefts in your area. देखिए, फिर हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, 15 पार्क लेन सेक्टर 25 नोएडा। इसमें ये हमारा एड्रेस जाएगा और ये एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन छोड़ी जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में हम डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पे डेट आप चेंज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा 12 अक्टूबर 2020, या जब भी आप लेटर लिख रहे हो वो वाली डेट यहाँ पे जाएगी। और ये डेट बिल्कुल जस्ट कॉर्नर पे ही, अभी हमारा जो मैटर चलेगा जस्ट कॉर्नर से ही सब रहेगा। द SHO सेक्टर 25 नोएडा, ये भी हम अपने पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हैं, ऑफिशियल को लिख रहे हैं, ये उनका एड्रेस रहता है जिनको हम लिख रहे होते हैं। ये सब एड्रेस है लेकिन यहाँ पे लाइन छूटी है। फिर हम यहाँ डेट लिखेंगे, फिर डेट के बाद भी हमको एक लाइन छोड़नी है ब्लैंक। एड्रेस, ब्लैंक लाइन, डेट, फिर ब्लैंक लाइन, फिर हम यहाँ पे ऑफिशियल का एड्रेस लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे एक लाइन फिर से छोड़ेंगे और नीचे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीज नाइट पेट्रोलिंग। फिर इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। फिर रेस्पेक्टेड सर के नीचे कोई लाइन नहीं छूटेगी। देखिए, पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कीप वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट। आप रात को सोते हो तो आपको पुलिस की हॉर्न सुनाई देती होगी, तो पुलिस क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है, मतलब वो हर एरिया में जाके देखती है कि सब सेफ है कि नहीं, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो रही है। तो रात को जो पुलिस घूमती है उसको हम पेट्रोलिंग कहते हैं। तो यहाँ रिक्वेस्ट क्या है कि उस चीज़ को और बढ़ाया जाए और मतलब सीरियस लिया जाए। देखिए, समझ में आ गया ना, पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर एक पूरी ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पे डेट लिखेंगे जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद फिर लाइन छूटी जाएगी, फिर हम जिसको लेटर लिख रहे हैं ऑफिशियल हेड को उसका एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद लाइन छूटेगी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने का दो कोलन लगाएंगे और फिर हम जो सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं उसका हेडिंग जाएगा, फिर लाइन छूटेगी, फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, फिर कोई लाइन नहीं छूटेगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मैटर। रिसेंटली देर हैज बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन द पार्क लेन एरिया ऑफ द सिटी। अलार्मिंग का मतलब होता है वरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा चोरी बढ़ती जा रही है। इस लाइन में ये बताया गया है कि पार्क लेन एरिया है कोई सिटी का, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, वहाँ नोएडा में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। हार्डली अ डे पासिस वेन देर इज नो थेफ्ट ऑफ बल्गरी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन चोरी नहीं होती है इस एरिया में। थेफ्ट ऑफ बल्गरी, बल्गरी का मतलब भी चोरी ही होता है। केसेस आर रेगुलरली रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट पुलिस डिवीजन, मतलब बोला है जो कंप्लेन है, केसेस है, वो पास के पुलिस स्टेशन में की जाती है, बट नो हेड अवे हैज बीन मेड सो फार इन अप्रिहेंडिंग द कल्प्रिट्स। देखिए, हेड अवे का मतलब होता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, मतलब हम लोग कंप्लेन करके आते हैं तो उसका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फॉरवर्ड मूवमेंट एंड प्रोग्रेस, मतलब कोई उस पर रिएक्ट ही नहीं करता है। वॉज हैज बीन मेड सो फार इन अप्रीहेंडिंग, अप्रीहेंडिंग का मतलब होता है अरेस्ट करना। द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, जो चोरी कर रहा है उसको पकड़ने के लिए कोई मूवमेंट या कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। टू बी क्वाइट फ्रेंक, पीपल हैव स्टार्टेड सस्पेक्टिंग दैट द पुलिस आर इन्वॉल्व इन दीज थेफ्ट्स एंड बल्गरीज, मतलब हम फ्रेंकली बोले, मतलब लोग जो उन्होंने लेटर लिखा है वो ये बोले कि अगर हम खुल के बोले या फ्रेंकली बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि पुलिस भी उन चोरियों में मिली हुई है, वो चोरों के साथ मिली हुई है, तभी वो उनको अरेस्ट भी नहीं कर रही है या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। दो इट इज अ वाइल्ड चार्ज, द फैक्ट रिमेन्स दैट द कल्प्रिट्स ऑलवेज गो स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट, मतलब बिना कोई पनिशमेंट या अरेस्ट हुए वो घूम रहे हैं आराम से,
कोई उनके ऊपर केस नहीं फाइल किया जा रहा है. देर इज अ डेंजर टू द लाइफ ऑफ द रेसिडेंट ऑल्सो सिंस द बर्गलर्स कम आर्म्ड विद नाइफ्स एंड पिस्टल्स. मतलब बोला जा रहा है कि वहां के जो ये लोग रह रहे हैं उनको खतरा भी है, क्योंकि वो जो चोर लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, थेफ्ट हैं, बर्गलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने हाथों में पिस्तौल और नाइफ भी लेके आते हैं. फिर देखिए, इतना एक पैराग्राफ लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर से लाइन छोड़ेंगे और फिर हम यही कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे. इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट नाइट पेट्रोलिंग इन दिस एरिया शुड बी इंटेंसीफाइड. इंटेंसीफाइड का मतलब और सीरियस तरीके से, अच्छी तरीके से होनी चाहिए. एंड ऑल आउट एफर्ट शुड बी मेड टू नैप द कल्प्रिट्स. और मतलब बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स डालिए कि जिससे आप, नैप का मतलब होता है कैच करना, उन चोरों को, कल्प्रिट्स को पकड़ सके. कल्प्रिट्स का मतलब वही होता है चोर, थेफ्ट. वही बोला गया है कि आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एरिया में नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया जाए और आप उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ें. फिर इतना लिखने के बाद सेकेंड जब पैराग्राफ खत्म हो जाएगा फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे. फिर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली और फिर नीचे यहाँ पे जिन्होंने लेटर लिखा है उनका नाम आ जाएगा वरुण सिंह. ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जैसा फॉर्मेट बताया गया है वैसा ही लिखना है. गड़बड़ आप मत करिएगा. थैंक यू.